एंड वेलकम बैक टू YouTube चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंटरप्राइजेस को देखेंगे। हम देखेंगे भाई इंडिया में क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े, क्या रीजन थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने का, और क्यों इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो है अनाउंस करी, जिसमें मेजरली हम तीन पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो इस बात करें कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947, तो उस टाइम पे हमारा कोई इकोनॉमिक सिस्टम तो था नहीं, तो इंडिया को डिसाइड करना था इकोनॉमिक सिस्टम की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करें, सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करें या मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करें। तो इंडिया ने डिसाइड करा कि वो मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करेंगे। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का। अब कहने के लिए इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी, बट जो डोमिनेंस थी इकोनॉमी के ऊपर, जो कंट्रोल एंड रेगुलेट कर रही थी इकोनॉमी को, वो कौन कर रही थी, पब्लिक सेक्टर कर रही थी, पब्लिक एंटरप्राइजेस कर रही थी। अब जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे ना, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफी पुअर थी, इनएफिशिएंट थी, कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को लॉस इनकर करना पड़ रहा था। तो कुछ बेसिकली रीजन थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े इंडिया को और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को अनाउंस करना पड़ा। तो क्या रीजन थे उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि जो पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत पुअर थी, कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को लॉस इनकर करना पड़ रहा था। देन बात करें सेकेंड हमारा क्या रीजन था, डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिशिएंट इन बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कि गवर्नमेंट एक रिकॉर्ड मेंटेन करके चलती है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है डोमेस्टिक कंट्री की विद फॉरेन कंट्रीज, तो उसको बेसिकली उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलती है गवर्नमेंट बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, डेफिशिएंट था कि हम पेमेंट ज्यादा कर रहे थे, रिसीट्स कम आ रही थी, कि हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पेमेंट ज्यादा करेंगे, ठीक है, और एक्सपोर्ट कम हो रहा था तो रिसीट्स कम आ रही थी, तो हमारा बीओपी क्या चला गया, डेफिशिएंट में चला गया। तो अगर बात करें कि फॉरेन पेमेंट फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं, इज एक्सीड्स फॉरेन रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, कि जो फॉरेन पेमेंट थे इंपोर्ट पर वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू, बात करूं जो फॉरेन रिसीट्स आ रही थी एक्सपोर्ट पर, कि इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे लोग और एक्सपोर्ट कम हो रहा था, इसलिए हमारी पेमेंट ज्यादा थी रिसीट से, तो हमारा बीओपी क्या चला गया, डेफिशिएंट में चला गया। और हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था, इवन इंडिया ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी थी, इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ, कि गवर्नमेंट ने हैवी टैरिफ लगा दिया था, अगर हम इंपोर्ट कराते तो उस पे हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे, तब भी इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था। एंड फिक्सिंग क्वोटास, क्वोटा भी फिक्स कर दिया था कि भाई एक क्वांटिटी सेट करी थी कि इतनी क्वांटिटी जो है हम इंपोर्ट करा सकते हैं, कि हैवी टैरिफ और क्वोटा फिक्स करने के बाद भी इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था और एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा था। क्यों, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो लो क्वालिटी के थे और इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा था, तो लोग कम खरीदते थे, तो इससे क्या हो रहा था भाई, इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम हो रहा था, पेमेंट ज्यादा कर रहे थे, रिसीट्स कम आ रही थी, तो बीओपी क्या चला गया, हमारा डेफिशिएट में चला गया। तो सेकंड रीजन हमारा ये था भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। देन बात करें इन्फ्लेशनरी प्रेशर, भाई इन्फ्लेशन आ रही थी हमारी इकोनॉमी में, क्यों इन्फ्लेशन आई थी, इन्फ्लेशन क्यों आई थी, इन्फ्लेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, कंसिस्टेंटली राइज इन जनरल प्राइस लेवल, कि जो जनरल प्राइस लेवल है कंसिस्टेंटली क्या होता था, बढ़ता जा रहा था, तो इन्फ्लेशन आ रही थी। तो इन्फ्लेशन क्यों आ रही थी, ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई थी इकोनॉमी में, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो है डेफिशिएट में जा रही थी, बीओपी डेफिशिएट में जा रहा, फॉरेन एक्सचेंज डेफिशिएट में जा रहा, तो गवर्नमेंट लोन्स ले रही थी, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ गई थी इकोनॉमी में, तो ऑब्वियसली बात है प्राइसेस राइज होंगे, जनरल लेवल प्राइसेस राइज होंगे तो इन्फ्लेशन आएगी। देन सेकेंड रीजन क्या था, शॉर्टेज ऑफ असेंशियल गुड्स, जो असेंशियल गुड्स हैं, नेसेसरी गुड्स हैं, उनकी शॉर्टेज थी। अब ऑब्वियसली बात है सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशन ही आएगी, है ना, तो इन्फ्लेशन आ रही थी भाई, इन्फ्लेशनरी प्रेशर था। देन बात करें फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारा, फॉरेक्स रिजर्व था, वो क्या हो रहा था, फॉल होता जाता, डिक्लाइन होता जाता। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, बेसिकली हमारे पास कितनी फॉरेन करेंसी है, कि हम अगर पेमेंट करते हैं किसी और कंट्री को तो ऑब्वियसली बात है फॉरेन करेंसी में ही पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यूएसए से कुछ इंपोर्ट कराती हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरे को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो जो फॉरेक्स रिजर्व था बेसिकली इंडिया का, वो भी क्या होता था, डिक्लाइन होता जा रहा था। कि फॉरेक्स एक्सचेंज क्राइसिस आ गए थे, कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो इनएडिक्वेट था, कि हम जो है टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन टू वीक्स से ज्यादा हम इंपोर्ट को फाइनेंस नहीं कर पाते, इतना हमारा क्या चला गया था, डिक्लाइन में चला गया था फॉरेक्स रिजर्व। देन बात करें टू पे इंटरेस्ट दैट नीड टू बी पेड टू इंटरनेशनल लैंडर्स, अब जो इंटरेस्ट पे करना है, हमने जो लोन ले रखा है इंटरनेशनल लैंडर्स से, फॉर एग्जांपल के लिए वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया,
अब उनको इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, मतलब फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, ठीक है। ये सोचो कि हमारे पास इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं है, हम जो सम है, जो एक्चुअल अमाउंट है लोन का, उसको कैसे चुकाएंगे, है ना। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, फॉरेक्स रिजर्व था, वो इतना ज्यादा क्राइसिस में आ गया था कि 2 हफ्ते से ज्यादा हम इम्पोर्ट को फाइनेंस नहीं कर सकते, और जो भी हमने इंटरनेशनल लैंडर से लोन ले रखा था उस पर हम इंटरेस्ट तक नहीं पे कर पा रहे थे, ठीक है। वॉरिंग अमाउंट तो भाई दूर की बात हो गई। देन बात करें ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, डेट का बहुत बर्डन था, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को डेट लेना पड़ रहा था, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट तो फाइनेंस ही नहीं कर पा रही इम्पोर्ट्स को, फॉरेक्स रिजर्व कम है, बीओपी डिक्लाइन में जा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है पब्लिक सेक्टर की, तो ऑब्वियसली बात है लोन तो लेना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा क्या था, बर्डन आ गया था हमारे ऊपर डेट का। एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वॉज मच हायर देन द रिवेन्यू, कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था ना वो बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू रिवेन्यू। रिसीट्स कम आ रही थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है हमारा बजट भी डेफिशिएट में जा रहा था, तो गवर्नमेंट हैड टू बोरो, तो गवर्नमेंट को भाई अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए बोरिंग्स लेनी पड़ेंगी। तो गवर्नमेंट ने बोरिंग्स ली कहां से, भाई बैंक से ली, पब्लिक से ली, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक IMF से ली। तो बहुत ही बर्डन हो गया था डेट का गवर्नमेंट के ऊपर। देन इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, कि मैंने बात ही कही ना, पब्लिक सेक्टर अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पाया था। अगर मैनेजमेंट अच्छा होता तो ऑब्वियसली बात है हमारी रिवेन्यू ज्यादा होता एक्सपेंडिचर से, बट पब्लिक एंटरप्राइजेस इतना अच्छा कर ही नहीं पा रही थी, तो इसलिए क्या होता है एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, रिवेन्यू कम आ रहा है, तो लॉस में जा रही थी हमारी एंटरप्राइजेस। देन इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था, कि गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रिवेन्यू फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, कि गवर्नमेंट अपने इंटरनल सोर्सेज से सफिशिएंट रिवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पा रही, इनएफिशिएंसी है भाई। कि क्या क्या बेसिकली इंटरनल सोर्सेज होते हैं हमारे रिवेन्यू के, एक तो गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू रिवेन्यू कलेक्ट करती है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है वहां से हम क्या करेंगे भाई, रिवेन्यू जनरेट करेंगे। तो गवर्नमेंट इतनी इनएफिशिएंट थी कि गवर्नमेंट जो है अपने इंटरनल सोर्सेज से रिवेन्यू इतना जनरेट नहीं कर पा रही थी कि वो अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर सके। तो इसलिए क्या हो रहा था भाई, हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा था गवर्नमेंट रिवेन्यू से, तो ऑब्वियसली बात है बोरिंग्स तो लेनी पड़ेंगी कि एक्सपेंडिचर मीट करना पड़ेगा। देन बात करें फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज स्पेंड ऑन मीटिंग कंजम्पशन नीड्स। अब क्या था कि जो भी बोरिंग्स ले रही थी गवर्नमेंट, उस बोरिंग्स को इकोनॉमी के ग्रोथ वगैरह में लगाने के बजाय गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन नीड थी उस पर लगा रही थी, उसको भी तो मीट करना जरूरी था। तो जो भी गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली बोरो करा था अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज हो गया या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, वर्ल्ड बैंक, IMF, तो उसको गवर्नमेंट ने किसके ऊपर खर्च करा, अपने कंजम्पशन नीड्स पर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर। तो अब इतने सारे बेसिकली क्या थे हमारे रीजंस थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो लाना ही पड़ेगा। कि क्या हुआ था बेसिकली, क्राइसिस आ गए थे 1991 में, बात करूं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, जो डोमिनेंस थी ना पब्लिक सेक्टर की वो हमारी 1950 से 1991 तक अराउंड जो है 40 ईयर, मतलब कि 4 डिकेड्स तक पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस में रही, ठीक है। पब्लिक सेक्टर ही क्या थे, डोमिनेंस में थी, वही कंट्रोल एंड रेगुलेट करती थी इकोनॉमी को। तो बहुत ही पुअर कंडीशन हो गई थी इकोनॉमी की हमारी, कि पुअर परफॉर्मेंस हो गई थी पब्लिक सेक्टर की, डेफिशिएट पे जा रहा था हमारा बीओपी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर थे, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा फॉल होता जा रहा था, ह्यूज बर्डन था डेट का, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था। तो इन सब रीजंस की वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करनी ही पड़ी, अनाउंस करनी ही पड़ी। क्यों, अगर बात करूं 1991 में क्राइसिस आए जिसको इंडिया ने फोर्स करा कि इंडिया को फाइनेंशियल हेल्प लेनी पड़ेगी, किससे भाई, IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और वर्ल्ड बैंक को हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प ली किससे, IMF एंड वर्ल्ड बैंक से, टू मैनेज इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 में, जो बेसिकली इतने सारे क्राइसिस आए थे इसको मैनेज करने के लिए। तो उन्होंने रिसीव करा $7 billion एज अ लोन, ठीक है, डॉलर में बेसिकली 7 बिलियन जो है लोन रिसीव करा किससे, IMF एंड वर्ल्ड बैंक से। तो अगर इंडिया चाहती थी कि उसको $7 billion का लोन मिले तो कुछ कंडीशन रखी थी वर्ल्ड बैंक और IMF ने, कि अगर इंडिया इन कंडीशन को मानती है तो वो लोन देने के लिए रेडी थे, ठीक है भाई। क्यों, वो भी क्यों रिस्क ले, वो भी इसलिए रिस्क लेंगे ना भाई $7 billion की, कि इंडिया कुछ उनके कहने पर क्या करे, इकोनॉमी को ओपन करे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हटाए, तो कुछ कंडीशन रखी थी, इंडिया ने उसके ऊपर एग्री करा एंड देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को अनाउंस किया।
तो क्या बेसिकली कंडीशंस रखी थी वो एक बार देख लेते हैं। फॉर अवेलिंग द लोन इज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय, तो जो इंटरनेशनल एजेंसी थी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन्होंने कहा कि भाई इंडिया को लिबरलाइज करनी पड़ेगी अपनी इकोनॉमी, ओपन अप करनी पड़ेगी इकोनॉमी। क्या क्या करना पड़ेगा कि रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस में था, प्राइवेट सेक्टर तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, प्राइवेट सेक्टर पे जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखे ना उसको हटा दो, एक तो ये कंडीशन रखी। देन रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, की हर जगह गवर्नमेंट ही बेसिकली क्या कर रही है, कंट्रोल एंड मैनेज कर रही है, तो गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस कर दो, कुछ लिमिट कर दो बेसिकली गवर्नमेंट के रोल को। देन रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जैसे हमने बात ही करी कि हैवी टैरिफ लगा रखा है इंपोर्ट्स पर, ठीक है, कोटा फिक्स कर रखा है, तो इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दो, इकोनॉमी को ओपन अप करो, लिबरलाइज करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर बात करो, इंडिया ने जो है इन कंडीशंस को एग्री करा, ठीक है, इंडिया एग्रीड एंड अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1991, इंडिया ने इन सारी कंडीशन को एग्री करके और अवेल किया $7 बिलियन का लोन, और क्या करा, इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, ओपन अप कर दिया, जिसमें हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मेजरली तीन पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम LPG के नाम से जानते हैं। सो गाइस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बेसिकली हमने देखा कि क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रीजंस थे और क्यों इंडिया को बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अनाउंस करनी पड़ी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।